ओम शांति। आज का विषय है कि हम मिलकर कुछ अच्छी बातें करें। मैंने एक कुछ लाइनें भी डाली थी कि यदि मेरे पास 1 रुपया है और आपके पास भी यदि 1 रुपया है और यदि हम वो रुपये को आपस में बदली करें तो आपके पास भी 1 रुपया होगा और मेरे पास भी 1 रुपया ही रहेगा। लेकिन यदि हम अपने एक अच्छे विचार को आपके साथ साझा करते हैं और आपका एक अच्छा विचार आप मेरे साथ साझा करते हैं तो हम दोनों के पास 2-2 अच्छे विचार हो जाएंगे। तो विचारों की पूंजी बढ़ाइए। योग और योगा, ये दोनों अलग चीजें हैं। योगा से अलग है क्योंकि योगा आप अपने शरीर की क्षमता को या शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, तन के लिए योगा करते हैं, अर्थात फिजिकली फिट रहने के लिए। योग जिसे अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से सीखा, सिखाया या अलग अलग उसके मीनिंग भी रखे। यूं तो राजयोग, इंडिया जो भारत का प्राचीन राजयोग बहुत फेमस है, तो राजयोग किसी ने ऐसा समझा कि विचारों को, विकल्पों को एकदम नील कर देना, खत्म कर देना, विकल्पों को कहना चाहिए 0 कर देना। तो ये तो तभी संभव है, विचारों को, विकल्पों को, संकल्पों को खत्म करना, 0 पर लाना, अर्थात आप जब तक ये तन नहीं छोड़ेंगे तब तक आपके विकल्प शांत नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमने इस तन को पहन रखा है और जब हम इस व्यक्त तन को पहनते हैं तो हम कर्म में आते ही हमारे विचार मन में पनपने शुरू हो जाते हैं। तो विचार किसी के भी 0 नहीं हो सकते। फिर किसी ने कहा कि कोई मंत्र का जाप करते हैं उसे योग कहते हैं। किसी ने कहा अपने घर बार को छोड़ करके जंगलों में जाने को योग कहते हैं। किसी ने कुछ इस तरह से अनेक मत योग के बाद योग को लेकर के कही गई, राजयोग जिसे हम कहते हैं। जबकि राजयोग है आपका मन की शांति के लिए, मन के संकल्पों को श्रेष्ठ बनाने के लिए, ईश्वर को जानना कि वो कौन है और आपके मन में जो संकल्प हैं, जो हम इस संसार की बेसार की दुनिया में, जो हम इस भौतिक सुख सुविधाओं में, जो हम अपनी ये कहना चाहिए अनगिनत, अनकाउंटेबल जो हमारी चाहना होती है और की चाहना, उस चाहना पर कहना चाहिए कि एक लिमिट कर लेना, वो जो हमारी चाहत है उसे एक बंधन जैसे बांध देना कि कितना आपको जरूरत है ना। और ईश्वर को जानना, अपने आत्मा के स्वधर्म को पहचानना, अपने आत्मा के 7 गुणों को जानना, 7 गुणों को अपने में ला करके फिर खुद को शांति से भरपूर करना, कहीं भी रहते हुए अपने विकल्पों को मंत्रोच्चारण के द्वारा विकल्पों को खत्म करने की बात नहीं है राजयोग। विचारों में शुद्धता है राजयोग। नेगेटिव से पॉजिटिव में बदली करना है राजयोग।
आपको जो जीवन मिला है उसमें संतुष्ट रहना है राजयोग। आपको जो ईश्वर ने दिया है उसका हर पल शुक्रिया करना, या किसी ने किसी के द्वारा भी हमें जो कुछ मिला है तो उसमें संतुष्ट रहना। ये नहीं कि जो आपको नहीं मिला वही आप कामना करते हैं। व्यर्थ से मुक्त होना, और व्यर्थ से मुक्त होना अर्थात बिल्कुल अपने जो संकल्प हैं वो पॉजिटिव होना, शक्तिशाली श्रेष्ठ संकल्प बना लेना, है ना। नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर जाना, यही आपकी विचारों की श्रेष्ठता है, क्योंकि विकल्प किसी के शांत हो ही नहीं सकते। इवन कोई कितना भी बीमार व्यक्ति है, कितना भी वो उसकी इतनी हालत नहीं है कि वो अपने जगह से हिल सके, लेकिन उसके संकल्प चलते रहते हैं मन में। संकल्प कई कई कहते हैं कि मैं मौन हूं, मौन है। अब मौन तो है, आप कहते हैं कि मैं किसी को दुख नहीं देता, किसी को कुछ नहीं कहता, या किसी भी तरह का मौन धारण करे रहते हैं, लेकिन आपका मौन तब होता है जब आपके मन में जो संकल्प सूक्ष्म रीति चल रहे हैं, जो सूक्ष्म रीति वो मन में संकल्प कर्म कर रहे हैं, उन संकल्पों को शुद्ध रखना, जो किसी के प्रति भी चल रहे हो सकते हैं या तो खुद के लिए भी चल रहे हो नेगेटिव संकल्प, उन संकल्पों को जो कहना चाहिए कि पॉजिटिव रखना, ना तो किसी के लिए द्वेष रखना, ना किसी से बदले की भावना। हम कहते हैं हम मौन हैं, ऐसे कैसे मौन हो सकते हैं आप जब तक आपके संकल्प में शुद्धता ना हो, विचारों में शुद्धता ना हो, आपके मन में शुद्धता ना हो। हम कहते हैं कि महान आत्मा, अब वो महान आत्मा क्यों बनती है? महान व्यक्ति क्या करता है? महान कार्य करता है तो वो अपनी जगह बना लेता है, एक महान कहलाना शुरू हो जाता है, उसके पीछे आगे जो है महानता लग जाती है कि ये महान है ना। महान व्यक्ति महान कार्य करके महान बन जाता है। अब इतने बड़े बड़े विश्व में जो महान बने हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसे कार्य किए हैं तो उन्हें महानता का पदवी मिल गई। आपके पास भी वही 24 आवर्स हैं, उनके पास भी वही 24 आवर्स हैं। हम जो एक कहना चाहिए कि जो नीचे देखता है अपने आप को, उसके पास भी उतना ही समय था जितना उस महान व्यक्ति के पास था। ऐसा तो नहीं है कि आपके पास में 12 घंटे और उसके पास में 24 घंटे थे। अब उसने अपने जीवन के समय को कौन से कार्यों में लगाया कि वो महान बन गया, और आपने कौन से कार्यों में अपने विचारों को, अपने कर्मों को, अपने मन के संकल्पों को किस दिशा में मोड़ा और आपने क्या किया तो आप महान नहीं बन पाए। हाँ, तो ये महानता आपके कार्यों से सिद्ध होती है। हम कहते हैं गुरुजी। गुरुजी क्यों कहते हैं? आपके घर में कोई महात्मा आता है तो कहते हैं कि सत्य वचन गुरु जी, कहते हैं सत्य वचन। क्यों? क्योंकि वो मुख से कभी भी जो कहना चाहिए कि एक नॉर्मल वाक्य को या जो नॉर्मल शब्द को इस्तेमाल नहीं करते हैं, है ना। जिसे हम कहते हैं कि नीच बातों को या इस तरह की व्यर्थ बातों को या जो किसी को कष्ट दे बात, वो बात उनके मुंह से कभी सुनने में नहीं आती, तो हम उन्हें कहते हैं सत्य वचन गुरु जी। वो कहते हैं तथास्तु, हम कहते हैं सत्य वचन, है ना। सत्य वचन इसीलिए क्योंकि वो कभी भी अपने मुख से किसी के लिए बुरे शब्द नहीं निकालते, छोटे शब्द नहीं निकालते, तो हम सत्य वचन मान लेते हैं, है ना। तो ऐसे हो जाते हैं कि वो गुरु महात्मा कहला जाते हैं, क्योंकि वो महानता उनके मुख में और अंदर में भी महान शब्दों का इस्तेमाल होता है। अब एक होता है पापी, पाप आत्मा या पापी कहते हैं जिसे हम, है ना। वो क्या करता है? आपका मुख है, आपके ये मुंह से आपको क्या करना है? आपको पता है अच्छा और बुरा। कोई कोई मुंह है
जिससे आपने हमेशा ऐसे ही शब्द सुने होंगे जो हमेशा एक दो को तकलीफ देते ही रहते हैं, एक दो को बुरा कहते ही रहते हैं, एक दो को बुरा समझते ही रहते हैं। उस मुख से कभी आपने ऐसा सुना ही नहीं होगा कि किसी की बड़ाई हो रही हो या किसी की अच्छी बात को लेकर के डिस्कशन चल रहा हो। जब भी उनके मुख से कुछ वाचाल शक्ति बाहर शब्दों के द्वारा आती है तो उसमें किसी न किसी की बुराई, किसी न किसी को जो है तकलीफ देने वाली या किसी न किसी को कष्टदायी ही शब्द निकलते हैं। उसके जो अपोजिट देखें तो फिर कोई कोई ऐसा भी है जो हमेशा सामने वाले की एक विशेषता पर ही बात करता है या फिर उसके मुख से हमेशा ही अच्छे शब्द निकलते हैं। तो फिर ऐसे भी हैं, ऐसे भी करते हैं लोग। तो ये मुंह आपका है, आपको इस मुख में किस तरह क्या भाषा रखनी है, किस तरह के संकल्प आपको मन में रखने हैं, किस तरह से आपको सामने वाले को खुश रखना। कहते हैं ना, एक व्यक्ति अगर रोज रोज आपसे मिले और रोज आपके सामने आकर के आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ उल्टा ही कह करके, कुछ अपशब्द ही कह करके जाता है, तो आप उसे कभी याद तो दिल से करेंगे ही नहीं। लेकिन एक ऐसा भी आपके सामने मनुष्य आत्मा ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो भले ही आपको अपनी उम्र के रहते एक बार मिला होगा, लेकिन उसकी छाप, उसके जो चेहरा, उसकी छवि आप कभी नहीं भुला पाएंगे। होगा आपके जीवन में भी जरूर ऐसा हुआ होगा कि उसके शब्द भी आपको ऐसा मन मोह लेंगे, उसकी सूरत की छवि तभी आपके मन पटल पे बैठती है जबकि वह आत्मा ने आपके प्रति ऐसी कोई बात कही हो जिससे आप उससे आकर्षित हो गए हो। ऐसा नहीं है कि उसके चेहरे से, उसके गुणों से, उसके मन के जो मीठे उसके मुख के बोल हैं उससे आप उसके तरफ खींचते हैं तो उसकी मन पटल पर आपके हमेशा के लिए वो छवि बन जाती है, बजाय जिससे आप रोज मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वह मीठा नहीं बोलता और वो इतना मीठा बोला कि आपको हमेशा के लिए अपनी तरफ खींच लिया। तो ये हमारी बातें हैं। अब ये राजयोग को भी ऐसे किसी किसी ने कुछ किसी ने के कुछ किसी ने कह दिया कि ऐसे ही कपड़े पहन करके इस राजयोग को ऐसे ही करते हैं, या योग शब्द को ही बिल्कुल ही एकदम जो कहना चाहिए कि किसी किसी दिशा में। अब आती हूँ मैं, कहना चाहिए कि जो हम रोज अभी इस समय पे इतना कष्ट संसार में फैला है, देखिए ये कष्ट क्यों है, ये संसार में दुख क्यों है, यह कोई जानता है तो सिर्फ वह परमात्मा जानता है। यह गवर्नमेंट भी इन बातों को किसी भी रीति खत्म नहीं कर पाएगी क्योंकि उनको असली बात नहीं पता। वो असली बात क्या है? इस संसार में मनुष्य आत्माओं की जो विचारों की दूषित है, जो विचारों की तमो प्रधानता है, वो कोई भी मनुष्यों के अंतर मन की सफाई नहीं कर सकते। विचारों की सफाई हमें खुद करना होगा। ये शुरुआत हम सोचते हैं मैं तो बहुत अच्छा हूं, सामने वाला क्यों ना करे। शुरुआत हमेशा उससे होनी चाहिए, मुझसे क्यों हो, क्योंकि मैं तो पहले से ही बहुत अच्छा हूं। मैं तो किसी के लिए कुछ सोचती ही नहीं हूं, मैं तो किसी के लिए बुरा कुछ करती नहीं हूं, तो मुझसे क्यों शुरू हो, मैं तो पहले से बहुत अच्छी हूं, मैं क्यों अपने से शुरू करें। जबकि यही बात गलत है। आपकी विचारों की जो शुद्धता है हमसे ही शुरू होनी है। और ये जो संसार में ये तबाही मची हुई है उसका एक ही एक कारण है कि ये जो हमारे विचारों में अशुद्धता आई, हमारे विचारों में जो नकारात्मकता आई, जो तमो प्रधानता आई, जो दूषित आई, वो प्रकृति भी सहन नहीं कर पाई। देखिए प्रकृति हमारी माँ है, वो हर क्षण हमें प्राणवायु देती है, जबकि हमने अब उसे इतना कहना चाहिए वो दुख से कर
चरचराह रही है, ये जो सूरज है उसका तापमान बढ़ गया है हम आपके विचारों की इतनी दूषित होने की वजह से। ये बात कोई नहीं जानता, इस संसार में सिर्फ परमात्मा आकर के हमारी इन बातों को हमसे ही बता करके हमसे ही वह बदली करवाते हैं। और यह राजयोग ही है ऐसी एक शक्ति जिसके द्वारा इस संसार में शांति आ सकती है। और ये विचारों में जो तमो प्रधानता है, उन विचारों में यदि शुद्धता आएगी तो आज से, अभी से, इसी समय से सिर्फ और सिर्फ आपके विचारों को बदली करने का एकमात्र रास्ता है कि आप खुद में बदलाव लाएं अपने विचारों में। कोई भी एक ऐसा इंसिडेंस इस संसार में होता है तो भल हम कहते जरूर हैं, लेकिन हर किसी के मुख से निकलता है कि भगवान क्यों ऐसा कर रहे हो, भगवान क्यों ऐसा आप दुख दे रहे हो, जबकि भगवान चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि बच्चे मैं तो तुम्हारा पिता हूँ, और एक पिता अपने बच्चों को दुखी ना देख सकता है और ना दुख दे सकता है। वो तो इतना कहना चाहिए कि मरते दम तक एक पिता लौकिक जीवन में भी अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ सुखी देखना चाहता है, सुख देता है, और जितना हो सकता है वह उसकी ऐसी पालना करना चाहता है कि वो कभी भी बच्चा दुखी ना रहे। फिर वो तो सर्व आत्माओं का परम पिता परमात्मा, हम विश्व आत्मा, विश्व कल्याणकारी, शिव निराकारी पिता, वो कैसे संसार को दुख दे सकता है। ये प्रकृति माँ अभी भी हमें प्राणवायु दे रही है, लेकिन हवाओं में रूखापन आ गया है, हवाएं हमें जो है दुखी करने लगी हैं, वो दुख दे नहीं रही, क्योंकि हमारे जो उसमें कहते हैं ना कि हमारा जीवन लाइव है, मतलब हम जीवित, नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स पढ़ते हैं ना हम साइंस में, कि जो कि कौन सी लिविंग है कौन सी नॉन लिविंग है। हम कहते हैं पेड़ पौधों में जीवन नहीं होता है, इन हवाओं में ये नॉन लिविंग थिंग है, मनुष्य लिविंग है ना, यहाँ वहाँ जाता है, सांस लेता है, ये करता है, वो करता है। लेकिन आपके विचारों की अशुद्धता ने, आप सबके तमो प्रधानता ने उस प्रकृति को भी दूषित बनने पर मजबूर कर दिया, इस सूरज के ताप को बढ़ाने में मजबूर कर दिया। और ये जो आपदाएं आ रही हैं वह अब इतना परेशान हो गई हैं कि वो इतना तंग हो गई हैं कि वो अपना स्वरूप बदलना चाहती हैं, अब वो शुद्ध होना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि अब मैं इस माहौल में ना तो खुद रह सकती हूँ और ना ही किसी को रहने दे सकती हूँ, इतना उनमें जो है दर्द भर गया है। ये प्रकृति माँ जीवित है, ये प्रकृति माँ में जीवन है, ये प्रकृति माँ में भी एक कहना चाहिए कि मन है उनके में भी, वह भी जीना चाहती है, वह भी शुद्ध रहना चाहती है, उसमें भी ताकत है कि वह हर एक को बदल सकती है, जो भगवान और इंसान मिलकर के नहीं कर सके, वह ये प्रकृति और ये जो कहना चाहिए पांच तत्व कर रहे हैं। अग्नि देखिए कितना विकराल रूप ले रखा है उसने, कितना रोष दिखाती है, कितने गुस्से में, नहीं कहना चाहिए, वो अपना कह रही है कि मुझे बहुत दर्द हो गया है, लोगों ने इतने 200 मंजिला के जो बिल्डिंग बना दिए हैं, अंदर में 6-6 मंजिला का जो इस तरह से खोद करके घर बना लिए, क्या उससे ये प्रकृति गुस्सा नहीं, क्या उसमें गर्माहट नहीं हुई होगी। हम कहते हैं हमें बहुत गर्मी लग रही है, 100 वर्षों में 60 वर्षों में तो हमने इतना तापमान देखा ही नहीं है, तो वो तापमान कहीं ना कहीं हम आप ही जिम्मेदार हैं उस तापमान को बढ़ाने में, और कोई भगवान आकर के यह विकर्म, ये दुर्भावना, इस तरह का कोई कष्ट भगवान या कोई भी पशु पक्षी जानवर नहीं देते हैं, ये हमारा मुख है जो हम एक दूसरे को जो व्यर्थ बोल करके, जो कड़वा बोल करके आत्माओं को दुखी करते हैं। यदि बीमार है कोई, तो मनुष्य आत्मा बीमार है, तो आत्मा इस शरीर के जो कष्ट है आत्मा सहन करती है। मान लीजिए आपको कोई बहुत विकट बीमारी है, तो वो बीमारी हम आत्माएं ही इस शरीर के रोग को भोगती हैं, कष्ट
सहती है ना कि कोई जानवर को यदि कोई बीमारी होती है तो वो कष्ट भोगता होगा, लेकिन वो मुंह से नहीं कहता है ना। उसने किसी को मार कर नहीं खाया, उसने किसी को खून नहीं किया, उसने किसी का ऐसा कुछ नहीं किया, तो ना तो इन पशु पक्षियों ने किसी का कुछ बिगाड़ा है और ना ही इस प्रकृति ने बिगाड़ा है, तो एक मनुष्य की सोच ने प्रकृति को बिगाड़ा है। और आज ये समय आ गया है। और देखिए रोज़ बाबा मुरली में जब विनाश विनाश लिखते हैं तो बहुत सारे मनुष्य आत्माएं मुरली सुनना बंद कर देते हैं, यह सोच करके कि भगवान ही जब अशुभ बातें करेगा तो हम सब क्या करेंगे, भगवान ऐसे सब लिख देता है। अरे भगवान तो आपको अलर्ट कर रहे हैं कि मेरे बच्चों अब तो अपने आप को ये जो सोच से अपने बदली करो, अब तो इस प्रकृति को दूषित होने से अपने समर्थ संकल्पों से अपने शुद्ध विचारों से तो बदली करो। जिस प्रकृति ने आपको इस तरह से साथ दिया, ये पांच तत्वों के शरीर को हर पल प्राणवायु दी, पानी दिया, जिस दिन पानी नहीं रहेगा उस दिन आपने अपना जीवन सोचा, जिस दिन ये कहना चाहिए कि ये जीवन में प्राणवायु खत्म हो जाएगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है और अब 2-2 लाख में हमें नहीं बचा पा रही है, तो उसके बारे में आपने कभी उसकी कीमत चुकाने के बदले, सिर्फ यदि वो ये कह रही है कि आप जो है अपने विचारों में शुद्धता लाओ, इस ब्रेन में जो भरा हुआ है उस व्यर्थ को आप बाहर निकाल के उसमें शुद्धि लाओ, तो क्या यह कोई मांग है? क्या आपसे वो आपका स्थूल धन मांग रही है? क्या आपसे कोई आपकी जान की कीमत मांग रही है? यह भी हम नहीं समझते, तो भी हर पल हम उन्हीं बातों में उलझे रहते हैं, एक दो को कष्ट देते रहते हैं, एक दो को हम कुछ ना कुछ बुरा भला कहते ही रहते हैं। क्या इस संसार में, इस जीवन में आपके कोई रिश्ते हैं या कोई भगवान से ही रिश्ता नाता जोड़ रहा है या जोड़ रखा है, या हम कहते हैं कि भगवान सुख दो और दूसरे ही पल हम कह देते हैं भगवान आपने दुख क्यों दिया? तो जब आप उससे सुख मांगते हैं तो वो दुख कैसे दे सकता है? हर कोई सुबह शाम दोपहर जो संध्या करते हैं और सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में पूजन पाठ करते हैं या जिसे अमृत वेला बाबा ने कहा है वो करते हैं, तो आप फिर मांगते क्यों हैं जब आपको पता है कि भगवान दुख दे रहा है? तो ये आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि भगवान दुख देते, तो फिर आपको उससे सुख मांगने की आवश्यकता क्या है? वो क्यों देगा सुख जब वो ही दुख दे रहा है? तो इस बात को समझना है कि अब ये दुनिया कैसे शांत होगी, ये संसार कैसे सुखी बनेगा, ये संसार में दुख का कारण ही है हमारे विकार, और जब तक ये विकार हम खत्म अपना विकारों से अपन खत्म नहीं करेंगे खुद से, जब तक ये गवर्नमेंट की ताकत, ये स्थूल साधनों की ताकत इस संसार में कोई भी ऐसी बदलाव ला ही नहीं सकती, क्योंकि कोई नहीं जानता कि ये कारण ही है आपकी तमोप्रधानता, आपकी अशुद्ध विचार, आपकी ये जो प्रकृति में जा रही है वो एक्सेप्ट करती है और वह अपना रूप बदल करके इस तरह से हर संसार को दुख देती है, मजबूर है वो देने के लिए दुख। अब हमें क्या करना है, यह भी हम आप जो बहुत सारे जो ज्ञान योग में, ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं, जिन्होंने परमात्मा को पहचान लिया, खुद को समझ लिया, परमात्मा को समझ लिया, तो वह तो कुछ मायनों तक बदले भी हैं और बदलाव धीरे धीरे ला भी रहे हैं, लेकिन बाकियों का क्या? संसार तो एक से नहीं चलता ना, भल सतयुगी दुनिया भी होगी तो सिर्फ लक्ष्मी नारायण से तो नहीं चल जाएगी ना, उस दुनिया में भी तो कोई ना कोई आएंगे, राजा प्रजा बन करके आएगी, अकेले लक्ष्मी नारायण से संसार नहीं चलेगा, और ना ही इस संसार में जो ये दुख का कारण है वो दुख के कारण को कोई गवर्नमेंट खत्म नहीं कर पाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट को यह बात बिल्कुल भी नहीं पता है कि आपके विचारों को हम शुद्ध कैसे करें। विचारों को शुद्ध करना है तो आपको अपना जो कहना चाहिए कि अपना ही बदलाव लाना है, तो आइए हम थोड़े समय के लिए खुद को ले चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जहां आपके मन को असीम शांति, असीम सुख और मन के विचारों को शुद्धता में परिवर्तन का ताकत बल मिलता है।
आपके विचारों में श्रेष्ठता आती है। आपके विचार श्रेष्ठ बनने से आपको बल मिलता है। आप जब श्रेष्ठ विचारों को इस मन बुद्धि के पटल पर रखेंगे तो आपके मन में कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। समर्थता से समर्थ संकल्प ही आते हैं और व्यर्थ संकल्पों से व्यर्थ संकल्प का ही खजाना भरपूर होता है। आप थोड़े समय के लिए अपने शरीर रूपी चमड़े को, इस देह को, इस मिट्टी के देह को थोड़े समय के लिए भूल जाएं और अपने आप को इस भ्रकुटी के तख्त पर विराजमान एक आत्मा निश्चय करें कि मैं आत्मा हूँ। यह चमड़े का शरीर नहीं हूँ, यह चमड़े की देह विनाशी है। आज नहीं तो कल ये देह छूट जाने हैं। मैं आत्मा अचर अमर अविनाशी हूँ और मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ। मैं उस सर्वशक्तिमान पिता की संतान हूँ जो इस विश्व को चला रहा है, विश्व की पालना कर रहा है। मैं ऐसे सर्वशक्तिमान पिता की मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। आप जैसा जैसा कहते जाते हैं वैसे वैसे आप चित्र भी बनाते जाएं। सिर्फ इसे मंत्रों की तरह रिपीट नहीं करें। मंत्रों की तरह रिपीट करना माना आपने उसका ना ही अनुभव किया और ना ही आपने उसे महसूस किया। कोई भी बात को आप देखिए, प्रेम को महसूस करते हैं, देख नहीं सकते। आप किसी की भावनाओं को समझ सकते हैं लेकिन उन भावनाओं को किसी डायरी में लिख नहीं सकते हैं। ऐसे ही ये परमपिता परमात्मा की सर्वशक्तियाँ जो आप में अंदर में हम समाहित करते हैं तो उसको हमें अनुभव करना है कि वो ईश्वर हमारा है और उस परमात्मा की शक्तियों के हम हकदार, हम आत्माएं हैं। मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं आत्मा बहुत महान कार्य करने वाली हूँ, मैं आत्मा किसी भी कितनी भी बड़ी से बड़ी परिस्थिति हो जाए लेकिन मेरा मन अचल अटोल अवस्था में ही अपनी जगह स्थित रहता है। मैं आत्मा बहुत लाइट हूँ, एकदम हल्की हूँ, जो सदा बोझों से मुक्त इस विषय वैतरणी नदी से, इस संसार के दुख से, सुख से थोड़े समय को खुद को उपराम करें और अपने मन को इस प्रकृति के नज़ारों से ऊपर की ओर उड़ा लें। जैसे बादलों में पक्षी उड़ता है ना, ऐसे ही इस आत्मा रूपी पंछी को उड़ा लें और ये कई बार करें। उड़ाते हुए उड़ते हुए खुद को देखें कि मैं आकाश में उड़ गई हूँ, मैं बादलों को भी क्रॉस करके चांद सितारों की दुनिया से भी ऊपर, इस तारागण नक्षत्र से भी ऊपर, बहुत ऊपर, जहाँ मेरा बेहद का बाप 100 सूर्यों से भी तेज रोशनी वाला, लेकिन उसकी रोशनी शीतल देने वाली, शीतलता से भरपूर, प्रेम का सागर, शांति का सागर, सुख करता दुख हरता बेहद के बाप के पास मैं पहुंच गई हूँ। मैं बाबा के पास बैठ गई हूँ और भी मुझ आत्मा के समान बहुत सारी आत्माएं अपने यथा स्थान पर बैठी हैं। कोई हलचल नहीं, कोई मुख की बातें नहीं, कोई दुख नहीं, कोई दुनिया के नज़ारे नहीं, कोई किसी तरह की हलचल नहीं, सब अपनी जगह शांत बैठी हुई हैं और मैं आत्मा ध्रुव तारा की तरह सबसे तेज चमक रही हूँ और मेरे ईश्वर भगवान जिसे हम प्यार से बाबा बोलते हैं उसने अपने इस ध्रुव तारा के समान चमकती हुई आत्मा अर्थात बच्चे को देखा और बहुत प्यार से बुलाया, मीठे बच्चे आ गया मिलन मनाने, आ मेरे करीब आ। ऐसे अपने बेहद के बाप के पास सम्मुख महसूस करें, अनुभव करें कि मैं एकदम पास में बैठी हुई हूँ,
एकदम सम्मुख हो गई हूँ। फिर धीरे धीरे ऐसा देखें कि आपको बाबा बहुत प्यार से अपनी गोद में बिठा करके बहुत प्यार दे रहे हैं, जैसे बच्चा जब पिता शाम को आता है अपने ऑफिस से आता है तो बच्चा बिना मुंह से कुछ कहे उस पिता की छाती से जैसे ही लिपटता है तो मानो उसको पूरे संसार का सुख मिल जाता है, मानो उसे पूरी दुनिया मिल जाती है। ऐसे ही वो पिता आपके बिना बोले बिना कुछ कहे आपकी भावनाओं को समझता है। आप ऐसा अनुभव करें कि पिता ने आपको गोदी में बिठा करके संसार की सर्वशक्तियों आपको दे दी हैं कि मीठे बच्चे जा इस संसार में जो दुख है उसे खत्म कर, प्रेम की शक्तियों से खुद भर जा और प्रेम के पूरे संसार में पूरी दुनिया में ये प्रेम की पवित्रता की किरणों को फैला करके सर्व आत्माओं को प्रेम से भरपूर कर दे। ये प्रकृति को शक्तिशाली बनाने की किरणों से इसको शांत कर, इसको सत्वप्रधान बनाने में मुझ बाप की मदद कर। ऐसे बाबा से अच्छी अच्छी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें सम्मुख होकर करें और कुछ समय के लिए बाबा के साथ कंबाइंड हो जाएं। कंबाइंड अर्थात बाबा के साथ खुद समा जाएं, जैसे सागर में कैसे हम गहराई में जाते 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 और अधिक रत्न प्राप्त होंगे ऐसा हम अनुभव करते, ऐसे ही उनके साथ कंबाइंड हो करके बाप समान बन जाएं। निरंतर आप अपने ऊपर वो झरना, वो सत रंगी शक्तिशाली किरणों को एक फाउंटेन की तरह, जैसे हम फव्वारे के नीचे हम जब नहाते हैं तो कैसे निरंतर पानी उसमें आता रहता है और आप उसमें नहा के अपने आप को कितना शांत जो शीतल महसूस करते हैं, जैसे बहुत बॉडी गर्मी से तप रहा है और आपको ठंडा पानी जैसे आपकी बॉडी पर पड़ता है तो आप मानो जन्नत मिल गई हो, ऐसे ही उस परमात्मा की शीतल किरणों को शक्तिशाली किरणों को अपने में समाहित होने दें और आत्मा को देखें एक प्रकाश का शरीर देखें, जैसे कि आत्मा एक प्रकाश का शरीर है जिसमें कोई दूषित दूषितपना बचा ही नहीं है, कोई भी विकार रह ही नहीं गया है, सिर्फ और सिर्फ प्रेम बचा है, सुख बचा है, शांति बची है जो सिर्फ हमें खुद में भरनी है और देनी भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यह सब हमारे लिए है, यह सब मेरे लिए है या मेरे परिवार के लिए है या मेरे इसके लिए है, नहीं, यह पूरे संसार की सर्व आत्माओं के लिए है, ये पूरी प्रकृति के प्रकृति माँ के लिए है, पांच तत्वों के लिए है। तो इस तरह से जब आप दिन भर चलते फिरते उठते बैठते कर्म में रहते इस तरह से जब अनुभूति करेंगे और उस परमात्मा के साथ में कांटेक्ट करेंगे कनेक्ट रहेंगे, अभी भी जैसे मुख से कुछ भी बात निकल रही लेकिन आप अनुभव उधर ही करें, उस परमात्मा पिता के पास में ही सम्मुख समझें, कि ये नहीं कि पल में आप इस बहन के पास में आकर के इस मुख से सुन रहे हैं, ऐसा नहीं, ईश्वरीय महावाक्य ईश्वर के पास ही जाकर सुनिए, निमित्त भल कोई भी हो लेकिन ये महावाक्य हैं, ये कोई समान वाक्य नहीं है कि कोई मनुष्यों के कहे वाक्य नहीं है, मनुष्य के वाक्य समान हो जो नॉर्मल हो सकते हैं लेकिन परमात्मा के महावाक्य ही हैं। तो ऐसे परमात्मा के सम्मुख बैठ जाएं, उनसे बहुत मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करें, उनसे शक्तियाँ धारण करें, अपना स्वरूप को शक्तिशाली और शांत बनाएं और खुद को भाग्यशाली बनाकर सबको ये भाग्य बांटते रहें कि मैं भाग्य विधाता की भाग्यशाली संतान हूँ और मैं भाग्य बांट रही हूँ, हर एक को रास्ता दिखा रही हूँ, हर एक को हिम्मत दे रही हूँ, सुख दे रही हूँ, शांति दे रही हूँ, शक्ति दे रही हूँ, बलवान बना रही हूँ, आत्मबल बढ़ा रही हूँ। इस तरह से आप परमात्मा से कनेक्ट हो करके उनसे खूब 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 बातें करें। मनुष्य आत्मा से बात करने से आप में बल नहीं भरेगा,
मनुष्यों से तो यदि आप एक बात कहेंगे तो 100 होती हैं, लेकिन ईश्वर से यदि आप 100 बातें कहेंगे तो उसका आपको रिप्लाई एक वाक्य में मिलेगा। और ये प्रकृति के जो आपदाएं हैं, जो नजारे हैं, वो उस परमात्मा के ऊपर मत डालिए, उस ईश्वर के ऊपर मत डालिए, ये कहीं ना कहीं हमारी ही भूल है। और एक बहुत अच्छी बात मैं आखिरी में कहना चाहूँगी, आप दिन में कई बार अपने मन को बहुत अच्छा साथी बना लें, मन को बहुत प्यारा सच्चा साथी बना लें और उसे दिल से दोस्त माने। आप अनुभव करें, जैसे टीवी में हम सीरियल देखते हैं ना, तो कभी भी कोई आपने ऐसा देखा होगा कि जब आपस में वो खुद ही बात करते हैं तो दो बट जाते हैं, दो जन सेम हो जाते हैं, है ना, कॉपी बना देते हैं ना उसकी। ऐसे ही आप अपने आप को मिरर के सामने खड़े हो जाएं, या फिर आप एकांत में 2-3 मिनट के लिए बैठ जाएं और अपने मन से बातें करें, हो सके तो आँख बंद करें, नहीं तो खुली रखें। एक्चुअली परमात्मा ईश्वर जो कहते हैं वो राजयोग में हमें यही सिखाते हैं कि आँख बंद नहीं करना है, आँख खुली रखना है। उसका कारण है, आँख खोलने का कारण है कि आप देखिए, आँख बंद करके शक्तियों को नहीं भर सकते हैं। आँख बंद करेंगे, बैठे हैं आप, मगन हो गए, बगल से कोई आपकी कोई चीज़ चोरी करके ले जा रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा, आपको शक्तियाँ कैसे भरनी हैं, आपको इस दुनिया की चकाचौंध में रहते हुए भी आपको कैसे एक अपने आशिक से आप कैसे अनुभव कर लेते हैं कि वो मेरे पास में बैठा, जबकि आपकी आँखें खुली रहती हैं। खुली आँख से सपना देखा, देखना है ना, देखा भी होगा कि 100 लोगों की भीड़ है, लेकिन यदि आपका किसी से प्रेम है तो आप वो 100 लोगों की भीड़ में भी उससे प्रेम भी कर लेते हैं, उससे बातें भी कर लेते हैं, उसको अपनी बाहों में भी भर लेते हैं उस 100 लोगों की भीड़ में भी। और कोई आपके बगल से निकलेगा और आपसे पूछेगा, उस इंसान को जाते हुए देखा? आप कहेंगे नहीं देखा, उसने कहा नहीं अभी तो आवाज आई थी। आप कहेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि आप खुली आंख थी, आपका शरीर भी वही था, आप वहां बैठे थे, आप प्रेजेंट थे, लेकिन आपका मन वहां नहीं था। तो इसी मन को ऐसे अनुभव करना है, इसी मन को उसके उससे कनेक्ट करना है। और वो कोई जीती जागती कोई ऐसी वो नहीं है, वस्तु या कोई इंसान, कोई मानव, ऐसा नहीं है। ईश्वर तो है ही निराकार। जैसे आप आत्मा को नहीं देख सकते हैं, आत्मा कांच में बंद करने के बाद भी जब उससे जाना होता है तो वो कब छोड़ देती है तन को, किसको पता भी नहीं रहता है। ठीक ऐसे तरह है, इसी तरह है, ईश्वर है, उसे सिर्फ आपको समझना है और समझ कर उसकी याद में रहना है। अपने पिता को कोई फोटो पिक्चर देख कर रख करके याद नहीं करता, अपने माँ को कोई फोटो को रख करके याद नहीं करता, उसकी याद स्वतः ही आती है, क्योंकि उसके साथ आपका संबंध होता है। आपके बच्चे आपको सिर्फ जब फोटो देखो तभी याद आए, ऐसा संभव नहीं है। कैसे भी किसी भी अवस्था में आप रहें, कहीं भी रहें, आप कितना भी विकट समस्याओं में हों, लेकिन जिससे आपको प्रेम है उसकी याद आपको स्वतः आएगी। और सबसे ज़्यादा याद आएगी जब विकट परिस्थितियाँ, तो अभी वही विकट परिस्थिति का समय है जब आपका सिर्फ और सिर्फ बाप साथ दे सकता है, वो भी शक्तिशाली परमात्मा। उसके अलावा इस संसार की कोई ताकत आपको बल नहीं दे सकती, और ना ही आपको इस कष्ट से बाहर निकाल सकती है, ना ही इस संसार में शांति आ सकती है, जब तक आप उसके साथ में अपना कनेक्शन नहीं रखेंगे। तो आप अपने मन को बहुत अच्छा साथी बना लेंगे और देखेंगे, कहेंगे, हे मन, इतने वर्षों से तू यहाँ वहाँ की बातों में लगा रहता है, इस संसार की बातों में लगा रहता है, क्या तेरा मन एक दुखी नहीं होता? क्या तुझे ये अशांति अच्छी लगती है? क्यों तू ऐसी दुनियावी बातों में भटकता है? अपने फ्रेंड से कहें, मन अब तो शांत हो जा, अब तो ऐसी बातों में मन लगा जिससे तुझे भी खुशी मिले और मुझे भी खुशी मिले। मन, अभी तक हमने क्या पाया? दुख को
मन में लाया तो दुख ही मिला। यदि हम एक पल के लिए भी सुख की तरफ जाते हैं तो हमें सुख ही मिलता है। तो तू क्यों भटकता है, क्यों ऐसी बातों को ढूंढ ढूंढ करके लाता है जिससे सिर्फ और सिर्फ दुख होता है? क्या उसकी जगह तू कोई अच्छा वाक्य, अच्छी बात, अच्छा कोई ऐसा मंजर नहीं याद कर सकता जिससे तू भी खुश, मैं भी खुश? चल आज से वादा करते हैं कि तू सिर्फ और सिर्फ ऐसी बातों में अपना मन लगाएगा जिससे तू भी खुश, मैं भी खुश। चल थोड़े समय के लिए अपने पिता के पास जाकर आते हैं, पिता से शक्तियाँ भर के लाते हैं। चल पिता से शांति भर के आते हैं और मन को बुद्धि के विमान में बिठा करके ले जाएं, चले जाएं सेकंड्स में परम धाम और उस परमात्मा की बातों को मनन चिंतन करते हुए, महावाक्यों को मनन चिंतन करते हुए मन से कहें, मन अब तो कितना अच्छा हो गया। पहले जब मैं अपने मन की बात किसी तीसरे, किसी भी मनुष्य आत्मा से कहती थी या कहता था तो मेरी बातें हवा से भी तेज पूरी दुनिया में फैल जाती थी। आज मैं तुझसे कितनी भी बुरी बात कहूँ, कितनी भी मेरी ऐसी कोई बात शेयर करूं जो नहीं करनी चाहिए तो भी तू अपने तक सीमित रखता है। तू कितना वफादार है मन, तू कितना सच्चा और कितना अच्छा है, तू किसी और से कहता ही नहीं है। तू तो मेरा सबसे अच्छा साथी है, तू सबसे अच्छा दोस्त है, तू खुदा दोस्त की बातें मेरे पास लाता है। तू कितना प्यारा और सच्चा बन गया है ना मन, तू पहले कितना भटकता और भटकाता था। ऐसे अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें अपने मन से करें और यह आपको किसी जगह में बैठकर नहीं करनी है। किसी ऐसा नहीं है कि आप कोई काम करते वक्त करें नहीं कर सकते, कर सकते हैं। आप चलते फिरते आपका मन तो चलायमान रहता है, ये मन रूपी घोड़ा तो कुड़दुक 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 करते ही रहता है ना। तो इस मन को अच्छी जगह ले जाएं, अच्छे जो मंजर को याद करें। और इस संसार में मनुष्य भी आपके जो रिश्ते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपके साथ कभी अच्छा किया ही नहीं होगा। कभी तो आपके साथ में किसी ने ऐसा कोई अच्छा, कहना चाहिए आपका सहयोग दिया होगा, कभी तो ऐसी कोई बात हुई होगी जो आपको सुख मिला होगा सामने वाली आत्मा से। ऐसा तो नहीं है कि हमेशा ही उसने, हम 100 अच्छी बातों को सेकंड में भुला देते हैं यदि सामने वाले की कोई एक बुराई या कोई ऐसी बात सामने आ जाती है। तो इन बातों से अब किनारा करिए क्योंकि ये समय उन बातों में घुसने का नहीं है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं काफ़ी दिन से मेरे मन में चल रही है, ये लंबा हो जाता है बात टॉपिक का, टॉपिक बहुत लंबा खिंच जाता है, लेकिन हम आप अभी कर भी कुछ नहीं रहे हैं ऐसेज। तो क्या होता है, ये ऐसी बात है कि अभी जो समय चल रहा है और पहले के समय में बहुत फ़र्क है। आज से 6-7 साल पहले और अब जो समय चल रहा है, अब बहुत विकट समय चल रहा है। बहुत होंगे, हर घर में हो सकता है, हर परिवार में ऐसा वाक्य हुआ होगा कि किसी कारण से हम किसी आत्मा से गुस्सा हो जाते हैं, मनुष्य आत्मा से, या मन में कोई ऐसा रख लेते हैं जिसकी वजह से हम उसके कांटेक्ट में नहीं रहते, है ना। बहुत सारे हैं, रिश्ते में हो सकता है या कोई आपके फ्रेंड सर्किल में हो सकता है, किसी भी उसमें हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, उनसे कांटेक्ट करना बंद कर देते हैं, है ना, गुस्से में। और फिर ये भी होता है कि हम कई बार उनको ब्लैक लिस्ट में भी डाल देते हैं या जो भी हर किसी के साथ होता है। तो अभी ये समय ऐसा नहीं है, अभी ये समय है माफ़ करने का, माफ़ी मांगने का, पश्चाताप कर उस भूल को सुधारने का। क्योंकि अब जो फ़ोन आपके पास आते हैं तो आप यह मत समझिए कि सामने वाला आपके साथ में कोई टाइम पास जैसे या कोई ऐसा जो है कहना चाहिए टाइम पास करके कोई भी बात को लेकर के, किसी के बात को लेकर के शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अभी ये समय जब भी फ़ोन की रिंग बजती है तो आप यही समझिए कि हो सकता है उस सामने वाले मनुष्य को आपकी सहयोग की आवश्यकता हो या कोई ऐसी बात हो जो सचमुच बहुत ज़रूरी हो। क्योंकि उस समय यदि हम
यह अवॉइड कर देते हैं, तो खुदा न खास्ता भगवान किसी के साथ ऐसी कोई बात लाए ही ना कि कोई तकलीफ वाली बात हो। हमेशा अच्छा ही सोचें, पॉजिटिव ही रहें, लेकिन ये जो आदत हमारी पड़ गई है फ़ोन ना उठाने की, फ़ोन ना रिसीव करने की, किसी कारणों से जो हम अवॉइड करते चले आए हैं, अब उसे ख़त्म कीजिए, क्योंकि ये समय ऐसी बातों का नहीं है। और आने वाले समय में तो ये जो हमारे पास में सुविधा है ना, फ़ोन आदि की, कॉल आदि की, ये कोई डराने की बात नहीं है, ये बहुत बड़ा अटल सत्य है कि यह सब जो कांटेक्ट करने की व्यवस्था भी है, वह व्यवस्था भी आने वाले समय में नहीं रहेगी। तब आप कैसे कांटेक्ट करेंगे? पता है क्या आप इस बात की गहराई तक गए हैं? अभी तो फिर भी आपको किसी न किसी के द्वारा, फोन के द्वारा, नेट के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, ट्विटर के द्वारा, किसी न किसी के द्वारा आपको, आपके पास तक आपके पहचान वाले की, आपके रिश्तेदार की बात पहुंच जाती है। फिर कैसे आप उस चीज़ को करेंगे? अगर हम जीते जी समय रहते संबंधों में मधुरता, मिठास नहीं लाएंगे, या संबंधों में सुदृढ़ता नहीं लाएंगे, तो बाद में पछताएंगे। तो आधे से ज़्यादा मनुष्य तो कुछ इसी भार में, इसी बोझ के नीचे तले दबे होकर के अपना यूं ही तन छोड़ देते हैं, क्योंकि हर एक आत्मा में आज के समय में बल नहीं है, प्रेम नहीं है। यही दो चीज़ों की जो संसार में कमी हुई है, वो है शांति, सुख और प्रेम। ये तीन बिल्कुल भी किसी के पास नहीं है, और पेशेंस तो बिल्कुल ही नहीं है। बल आत्मा में बचा ही नहीं है किसी बात को सहने का, किसी की बात को सहने का, और किसी मंजर को देखने का। तो इन्हीं सब के लिए ये राजयोग, जो बात बाबा बार बार हमें कहते हैं कि सभी ब्रह्म कुमार कुमारियाँ कहते हैं, राजयोग से जुड़ें, राजयोग से जुड़ें। मैं भी परिवार से हूँ, मैं भी इस ब्रह्म कुमारी का या बाबा की मुरलियों का मजाक बनाया करती थी। मुझे भी कोई विनाश की बात कहता था तो हंसी आती थी। मुझे भी अजीब लगता था सुनकर कि मुरली कौन बजाता है, मुरली कौन चलाता है, मुरली कौन सुनाता है। मुझे भी बड़ा आश्चर्य लगता था, क्योंकि हम जो एक इस आधुनिक जीवन को जी रहे हैं, तो उस आधुनिकता में हम जो हमारी रियलिटी है उसको हम निगलेंसी करते जाते हैं, निगलेक्ट करते जाते हैं, और उस बात की तरफ हम ध्यान ही नहीं देते हैं। जबकि यह बहुत बड़ा सत्य है कि यदि आप सुखी रहना चाहते हैं तो आप ज़रूर राजयोग से जुड़ें और परमात्मा को जानें, और खुद को जानकर इस संसार में जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करें, और उसका कारण भी समझें कि क्यों ये हो रहा है। कितनी बीमारियां हैं, अनेक अनेक बातें हैं संसार में दुख के लिए, इतनी बातें हैं कि हम गिनती नहीं कर सकते। इतने छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन में जा रहे हैं, इतने छोटे छोटे बच्चों का जो है बिना समय आए हुए उनकी मौतें हो रही हैं, दवा काम नहीं कर रही है, डॉक्टर्स के पास में ऐसी कोई दवा नहीं है जिसकी जिसके द्वारा आपको ये मानसिक संतुलन या मानसिक शांति, आपको अंदर मन की शांति मिले। तो ये सब संभव तभी होगा जब आप खुद इस बल में रहेंगे और सामने वाले को बल से भरेंगे। और अपने घर में यह जरूर करें कि अब जो अपने घर को ऐसा बना लें, शक्तिशाली माहौल, ऐसे शक्तिशाली विचारों की किरणों से भरपूर कर दें कि कोई आपके घर के दरवाजे पर आए तो उसे ऐसा महसूस हो कि मैं मंदिर के पास में खड़ा हूँ, ऐसी कोई शांति वाली जगह में खड़ा हूँ जिससे पता नहीं क्यों मुझे यह एक असीम शांति का अनुभव इस घर के आसपास होने से आता है। और एक बात, जो बाबा का झंडा है ना, वो संभव हो सके तो ज़रूर अपने सेंटर से मंगवाएं और अपने घर के ऊपर छत पर जरूर लहराएं, जरूर लगाएं। और ये झंडा कोई भी लगा सकता है। कई कई पहले सुना था कि जो बाबा पर फेथ नहीं करते हैं वो ना लगाएं, या कोई कॉमन इंसान नहीं लगा सकता। तो देखिए, जब तक आप उस चीज़ को नहीं समझेंगे तब तक आपको विश्वास भी नहीं होगा। झंडा बहुत बड़ा एक कहना चाहिए आपके घर में लगा होगा, तो उससे कहते हैं कि आपके घर की नकारात्मकता
और जो आसपास की तमो प्रधानता, जो विकारी मनुष्यों की विकारी जो सोच होती है, उसकी जो शक्तिशाली वाइब्रेशंस होती हैं, वो वाइब्रेट होते हैं तो पूरे आसपास का, क्या आपके गांव का, आपके पड़ोस का भी माहौल परिवर्तन होता है, आपके माहौल को शक्तिशाली बनाता है और आपकी ऊर्जा को नकारात्मकता से सकारात्मक बनाता है। तो यह बहुत बड़ी सच्चाई है। आप यदि अभी सेंटर नहीं जा पा रहे हैं, बंद है, किसी कारण से नहीं मिल पाता है, तो आप घर में भी देखिए, तैयार करने की कोशिश कीजिए। जैसे पीछे ये आप देख रहे हैं, ऐसे ही आप रेड कलर की स्ट्रिप्स कपड़े पर काट लें, ऐसे स्केल रख कर, मेजरमेंट करके, और बीच में उसमें आपने फ्लैग में देखा होगा एक एग शेप, अंडाकार शेप, जो जैसे शिव ज्योति होती है, तो जो ज्योति स्वरूप परमात्मा का सिंबल बना रहता है, उसमें लिखा रहता है ना, सुप्रीम सोल शिव परमात्मा, शिव बाबा लिखा रहता है, तो इस शेप का वो बीच में एक लगाना आप ट्राई कीजिए, ज़रूर बनेगा आपसे। तो उसमें फिर आप ना हो तो छोटे छोटे टुकड़े काट कर आप सुप्रीम सोल शिव बाबा लिख सकते हैं। तो उसको आप जब आप स्टिच करते हैं, तब बनाते हैं, तो आपको व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने हैं, आपको ऐसा लगना है कि ये स्वयं परमपिता परमात्मा मुझ निमित्त के द्वारा मेरे घर की सुरक्षा के लिए ये कवच बना रहे हैं, और मैं नहीं, मेरा बाबा बना रहा है। कंबाइंड होकर बाबा के साथ में उसे बनाइए, ऐसे स्ट्रिप्स काट लीजिए, और उसमें जो आपको तो पता ही है, ये ट्रायंगल तो नहीं होता, ये जो है अपना झंडा बाबा का देखा हुआ है आपने, रिएक्टेंगल शेप का होता है, उसमें आप इस तरह से बना करके ज़रूर जल्दी से जल्दी जितना हो सके लगाएं। उसका कारण है, आने वाले समय में जो और अधिक जो अकाले आत्माएं जाएंगी शरीर को छोड़ करके, तो और भी अधिक जो तमो प्रधानता, और कहना चाहिए कि ये आत्माएं प्रेत बनकर के भटकेंगी, तो वो किसी भी आत्मा को, कमज़ोर आत्मा को अपना शिकार बना लेंगी। भूत प्रेत किसे लगते हैं? कमज़ोर आत्मा में ही हावी होते हैं ना। तो ये प्रेत आत्माएं कौन होती हैं? जो कहना चाहिए कि जो गलत सोच वाली, या जो इस तरह से दूषित, प्रेत कहना चाहिए, जो अनप्योर आत्माएं होती हैं, वो आत्माएं आकर के आपको अटैक करती हैं, और वो आप पर हावी हो करके आपको क्या करती हैं, कमज़ोर कर देती हैं। तो कमज़ोर आत्मा होती है और कमज़ोर पर ही हावी होती है, तो इन सब चीज़ों से आप बच पाएंगे। यदि संभव हो तो आप सेंटर से मंगवा लीजिए, नहीं तो अभी ऐसा समय चल रहा है तो आप घर में बना लीजिए। गूगल पे आप सर्च कर लीजिए और गूगल पे निकाल करके उसका बाकायदा देख लीजिए, कैसे कैसे बाबा का क्या क्या उसमें लिखा रहता है, और अब बनाइए। हालांकि ये बाबा की शक्तियाँ जो मधुबन में, ये सब चीज़ें चाहे वेज हो जाए, चाहे फ्लैग हो जाए, और चाहे बाबा की कुछ भी चीज़ें हैं, बाबा के चित्रों से लेकर के जो सीढ़ी का चित्र, गोल का चित्र, वृक्ष का चित्र, ये सब कोई मनुष्यों ने नहीं बनाया है, कोई मनुष्य आत्माओं का दिया हुआ नहीं है, ये तो बाबा ने खुद बैठ करके अपने बच्चों से बनवाए हैं। और मधुबन की जो धरनी है, वो तो आप संसार के किसी भी कोने में वो शक्तिशाली वाइब्रेशंस तो हो नहीं सकते, और ना ही वो शक्तिशाली एनवायरनमेंट हम इस तरह से किसी और दूसरी प्लेस में कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि अब तो घर घर मंदिर, घर घर सेंटर, और घर घर में जो आने वाला समय है, जो हम जिसे सतयुग कहते हैं, तो आप ही पूज्य बनना है ना, तो आप ही पूज्य बनेंगे, तो फिर पूज्य इस आत्मा और ये मंदिर तो वो भी तो बनाना है। तो इस तरह से जब हम करेंगे और जगह जगह के वाइब्रेशंस को शक्तिशाली बनाएंगे, शुद्ध वाइब्रेशंस बनाएंगे, आसपास के माहौल को शुद्धता में बदलेंगे, तो आप ही ये संसार इस तरह से वाइब्रेट होएगा और शक्तिशाली विचार हर एक आत्मा में आने शुरू हो जाएंगे। कर्मातीत भी तो बनना है सभी को, तभी तो जाएंगे, है ना, और जो नहीं बनेंगे तो वो सजाएं भोग करके जाएंगे। तो ये बात थी आज की, तो आप ज़रूर फॉलो करें, दुनिया में बहुत हाहाकार
हो रहा है और हाहाकार होने वाला भी है, तो आप निश्चिंत रहें। आप निश्चिंत कब रहेंगे? जब आप परमात्मा पर निश्चय करेंगे, एक बल एक भरोसा, है ना, तो तभी आप निश्चिंत हो करके बेपरवाह बादशाह बनेंगे, नहीं तो आप हर छोटी बात को मुश्किल में मुश्किल पैदा करके मुश्किल बना लेंगे, है ना। तो जो भी हो रहा है उसे देखते चलिए, उसको तो हम ना ही ख़त्म कर सकते हैं और ना ही हम उसके जो कहना चाहिए कि ऐसा कुछ कर सकते हैं हम, लेकिन अपने विचारों में तब्दीली लाके दुनिया में ये विचारों से सेवा ज़रूर कर सकते हैं, महान सेवा कर सकते हैं, छोटी मोटी सेवा भी नहीं, बहुत महान सेवा है ये, विचारों में शक्तियां भर के, विचारों के वाइब्रेशंस दे करके। प्रकृति मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, ये पांच तत्व मेरे बहुत अच्छे साथी हैं, मैं किसी भी परिस्थिति में डरती नहीं हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता, मैं सफल थी, सफल हूँ, सफल रहूँगी, मेरी सफलता निश्चय है, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं अपने लौकिक परिवार से बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपने अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा से बहुत प्यार करती हूँ, जो अव्यक्त स्थिति में भी हमें अभी भी अपनी पालना दे रहे हैं, साकार साकार रूप में तो दे, तो अभी भी फील होता है कि बाबा हमारे साथ में है, और उस पारलौकिक परम पिता परमात्मा से बेहद 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 प्यार करती हूँ। ये विश्व एक परिवार है, आपस में हम आत्माएं सब भाई हैं, और सर्व आत्माओं के कल्याण की भावना मेरे मन में सदा रहती है, मैं किसी का अकल्याण जाने अनजाने भी नहीं सोच सकती, सर्व आत्माओं का कल्याण हो, मैं कल्याण भावना रखती हूँ, और कल्याण की वाइब्रेशन से ही शुद्ध समर्थ संकल्पों को चलाते हुए उन्हें ही पूरे मैं फैलाती हूँ। यह कार्य आप हमेशा चलते फिरते करते रहिए। ओम शांति। शुक्रिया।